दोस्तों, आज हम बात करेंगे LG के 2021 के रेफ्रिजरेटर के बारे में कि LG ने इस साल क्या क्या फीचर्स निकाले हैं। और दोस्तों, जो LG ब्रांड है वो इंडिया का नंबर वन ब्रांड आता है रेफ्रिजरेटर के अंदर में, क्योंकि उसकी जो फीचर्स और टेक्नोलॉजी आती है वो बहुत एडवांस आती है, और जो उसका मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेशर आता है वो LG खुद बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप 260 से 308 लीटर के बीच का रेफ्रिजरेटर लेने का सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक पूरे देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं उसके टॉप 10 रीजंस बताऊंगा क्यों हमें LG का रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो फर्स्ट रीज़न आता है वो आता है LG का स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेशर। स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेशर ये एस पर लोड काम करता है, जितना फ्रिज के अंदर लोड रखता है उसके अकॉर्डिंग ये कूलिंग करता है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम रहता है दोस्तों। और दोस्तों, आपके घर पे इन्वर्टर हुआ या सोलर प्लेट हुआ, जो LG का रेफ्रिजरेटर है वो 28 वाट्स के ऊपर काम करता है, इन्वर्टर और सोलर प्लेट के ऊपर। और दोस्तों, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेशर के अंदर जो आपकी वेजिटेबल है वो भी ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहती है। सेकेंड रीज़न जो आता है वो आता है LG का कन्वर्टेबल प्लस। नॉर्मली जो विंटर के अंदर फ्रीज़र होता है वो बहुत कम यूज़ आता है बर्फ़ जमाने के लिए, तो वहीं पे जो ये कन्वर्टेबल प्लस वाला रेफ्रिजरेटर है, इसमें आप फ्रीज़र को फ्रिज बना सकते हो। इसके लिए आपको एक कन्वर्टेबल का बटन दे रखा होगा, जैसे आप उसको 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे 68 मिनट के अंदर फ्रीज़र से वो फ्रिज बन जाएगा। तो जो आप जैसे कि जो स्टोरेज आप नीचे करते हैं वो स्टोरेज आप सारा ऊपर भी कर सकते हो। थर्ड रीज़न जो आता है वो आता है LG का जेट आइस। नॉर्मली दोस्तों, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि कहते हैं कि 25 मिनट्स के अंदर उनका फ्रिज बर्फ़ जमा देता है, कोई कहता है 45 मिनट्स के अंदर जमा देता है, पर दोस्तों ऐसा कोई भी फ्रिज नहीं है कि जो इतनी जल्दी बर्फ़ जमा सके। नॉर्मल रैफ को जो बर्फ़ जमाने के लिए टाइम लगता है वो अप्रॉक्स 140 मिनट्स लगता है, पर वहीं पर जो LG का जेट आइस वाला जो रेफ्रिजरेटर है ये आपको सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर बर्फ़ जमा के दे देगा। फोर्थ रीज़न जो आता है वो आता है LG का डोर कूलिंग प्लस। डोर कूलिंग प्लस बहुत अच्छा फीचर है। नॉर्मली अगर आप कभी भी किसी शेल्फ के ऊपर कोई सामान रखते हैं, अगर मान लो आपने कोई बड़ा भगोला रखा है या कुछ भी सामान रखा है, तो नॉर्मली जो कूलिंग आती है वो बैक साइड में से आती है, पीछे से आती है, तो पहले जो शेल्फ के रखे हुए सामान को ठंडा करता है, फिर डोर तक कूलिंग आती है। तो जो बॉटल वगैरह होती है दोस्तों वो लेट ठंडी होती है, तो डोर कूलिंग प्लस के अंदर ये रहता है, जो उसका डोर होता है उसके जस्ट साइड के अंदर दो डक दे रखी होती है जो कि डोर के ऊपर स्पॉट कूलिंग करते हैं, जिससे जो बॉटल वगैरह होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। और दोस्तों, डोर कूलिंग प्लस वाला जो फ्रिज आता है ये 35% फास्टेस्ट कूलिंग करता है नॉर्मल फ्रिज के मुकाबले। फिफ्थ रीज़न आता है जो वो आता है इसका मल्टी एयर फ्लो कूलिंग। मल्टी एयर फ्लो कूलिंग के अंदर ये रहता है, इसमें हर रैक के अंदर सेपरेट कूलिंग दे रखी है, जिससे आप रैक के अंदर कहीं पे भी सामान रखते हैं वहाँ तक इसकी कूलिंग पहुँचती है। सिक्स्थ रीज़न जो आता है वो आता है इसका स्मार्ट डायग्नोसिस। स्मार्ट डायग्नोसिस के अंदर ये रहता है दोस्तों, कंपनी ने हर एक प्रॉब्लम पे एक बीप सेट कर रखी है। नॉर्मली अगर आपके फ्रिज के अंदर कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो अपन सबसे पहले कॉल सेंटर पर कॉल लिखाते हैं, फिर वो इंजीनियर आता है, पहले उस प्रॉब्लम को ढूंढता है, फिर वो पार्ट पेंडिंग होता है वो पार्ट मंगाता है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। पर जो स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर है, इसमें कंपनी ने हर एक प्रॉब्लम पे एक बीप सेट कर रखा है। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्रिज के जो नीचे की साइड में आपको बटन दे रखे होंगे दो टेम्परेचर के, उसको आप प्रेस करते हो तो एक बीप की आवाज़ आती है। कॉल सेंटर पर आप जिस टाइम भी कॉल लॉक करवाते हैं तो जो वो कॉल सेंटर वाला बंदा होता है उसे आपको किसी भी ट्यून सुना दी, वो वहीं से सेंस कर लेगा कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। तो जो सर्विस इंजीनियर आएगा उसको पहले से ही पता होगा कि इस फ्रिज के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर उसको कोई पार्ट पहले से ही पता रहेगा ये पार्ट ख़राब है, वो साथ में लेकर आएगा, तो ये बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर दे रखा है। सेवन्थ रीज़न जो आता है वो आता है ऑटो स्मार्ट कनेक्ट। ऑटो स्मार्ट कनेक्ट के अंदर ये रहता है, नॉर्मली घर पे लाइटें चली जाती है तो ये ऑटोमेटिकली इन्वर्टर पे आ जाता है, ऑटोमेटिक इन्वर्टर पे रन करने लग जाता है। 28 वाट्स के ऊपर ही, जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ 28 वाट्स के ऊपर ही काम करता है। एट्थ रीज़न जो आता है दोस्तों वो आता है इसका टफन ग्लास। LG की जितने भी अंदर की शेल्फें जो आ रही हैं वो टफन ग्लास यूज़ करे गए हैं। टफन ग्लास में ये रहता है दोस्तों, इस जो ग्लास के ऊपर आप वेट रख सकते हैं वो आप 175 kg तक वेट रख सकते हैं। अगर आप कोई भारी सामान भी इसके ऊपर रख देते हैं, जो इसके ग्लास है वो इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि जो ब्रेक वगैरह नहीं होंगे। नाइन्थ रीज़न जो आता है वो आता है LG की LED लाइट्स। इस फ्रिज के अंदर बल्ब नहीं LED लाइट यूज़ करी गई है, जो कि ख़राब नहीं होती है। बल्ब नॉर्मली काफ़ी बार फ्यूज़ वगैरह हो जाते हैं, पर LED लाइट जो इसके अंदर दे रखी है वो आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। टेंथ जो आता है वो आता है इसका स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टेबलाइजर अलग से नहीं लगाना है। 100 वाट से 310 वाट तक की इसमें रेंज दे रखी है, तो ये भी काफ़ी अच्छी रेंज दे रखी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, जो LG की डोर की पफिंग वगैरह आती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की पफिंग आती है, इसकी डोर की पफिंग ख़राब नहीं होती है। गैसकिट भी इसमें एंटी बैक्टीरिया गैसकिट यूज़ करी गई है, जो गैसकिट आती है आप उसको खोल के वॉश भी कर सकते हो दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा रेफ्रिजरेटर दे रखा है। और दोस्तों, सबसे अच्छी जो चीज़ आती है वो LG का है सर्विस। सर्विस जो आता है LG का बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत फास्ट सर्विस है। कभी भी आप कॉल सेंटर पर कॉल लिखाते हैं तो उसका सर्विस से जो आपका कॉल आता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, इंजीनियर बहुत जल्दी विजिट कर लेता है।
और दोस्तों जितने भी 21 के नए मॉडल हैं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक और मॉडल नंबर सारे दे दूंगा। अगर आप चाहे तो वहाँ से जाके परचेज भी कर सकते हैं, अगर आपको प्राइस चेक करनी है तो वहाँ से प्राइस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।